अब गाइस ये मूवी है ना डम्ब एंड डम्बर, तो इसका रिव्यू करने के लिए मेरे पास एक बंदे ने मुझे कमेंट किया था कि इसका रिव्यू करो, इसके दोनों पार्ट्स का रिव्यू करो। तो मैंने फिलहाल के लिए पहला पार्ट देखा है एंड दूसरा पार्ट देख ही रहा था, तो मैंने सोचा कि पहला पार्ट का भी रिव्यू कर देता हूं। एंड देखो सब जानते हैं कि मूवी कैसी है, तो इसका कोई पॉजिटिव पॉइंट कोई नेगेटिव पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस थोड़ा सा हट के रिव्यू करने की आज कोशिश करूंगा। तो वीडियो को एंड तक एक बार जरूर देखना। तो सबसे पहले कुछ बेसिक डिटेल, जैसे कि इसमें आपको लीड एक्टर में आपको देखने को मिलेंगे जेफ डेनियल्स एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन एक्टर जिम कैरी। अगर बात करें मूवी की, तो यार जो मूवी है ना मतलब 26 साल पुरानी, तो मैंने सोचा कि मैं बोर ना हो जाऊं, मुझे डर था कहीं ना कहीं 26 साल पुरानी इतनी पुरानी कॉमेडी मूवी की तो मैं बोर तो पक्का होऊंगा। तो जब मैंने पहले 5 मिनट मूवी को देखा है, फिर जिम कैरी वहां से आते हैं, कार में आते हैं और लड़के से पूछते हैं कि आपके बालों का रंग क्या है, फिर वहां पे जो डायलॉग मारते हैं ना, तो यार उसको सुन के तो इतनी ज्यादा हंसी आती है, तो यार मैं समझ गया कि मैं फुल ऑन टाइम पास होने वाला है इस मूवी से। एंड यार वैसा ही कुछ हुआ। एंड उसके बाद जो मैं जेफ डेनियल्स का कैरेक्टर दिखाया गया हैरी वाला, तो उनकी वैन देख के हंसी आती है कि कुत्ते ऐसी वैन क्या बना रखा है, ठीक है। तो पहले तो उसको देख के ज्यादा मजा आता है, फिर आगे आगे जो कॉमेडी मोमेंट्स होते हैं तो वो भी काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। और उसके बाद जैसे कहानी आगे बढ़ती है कि वो एक सूटकेस लेके जाते हैं स्पेन देने, एक लड़की को देने के लिए जाते हैं, फिर रास्ते में क्या क्या कॉमेडी मोमेंट्स होते हैं, बाय रोड ये लोग जाते हैं, तो वो भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। एंड यार रास्ते में जो नौटंकी पेलते हैं ना ये लोग यार, तो उसको देख के तो आपको हंसी छूट ही जाएगी। मतलब यार इतने सारे कॉमेडी मोमेंट्स है इस मूवी में ना, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। इवन 26 साल पुरानी मूवी पर फिर भी आपको हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी ये मूवी। एंड देखो कितने इस मूवी में ऐसे कॉमेडी मोमेंट्स थे जो कि मैं पहले भी देख चुका हूँ अपनी बॉलीवुड मूवीज में। तो जैसे कि एक सीन आता है कि जिम कैरी को बहुत जोर से टॉयलेट आई होती है, तो वो बियर की बॉटल्स में कर देते हैं, फिर उसके बाद एक बॉटल देते हैं पुलिस वाले को, तो पीता है, फिर वो निकल लेते हैं वहां से। तो यही डिक्टो सीन था मेला मूवी में जिसमें थे आमिर खान और ट्विंकल खन्ना जी थी, ठीक है, तो वही डिक्टो सीन उसमें भी था। तो फिर भी मैंने इसको ज़्यादा इन्जॉय किया, हालांकि मैं वो सीन पहले भी देख चुका था, मुझे पता था आज के बाद ये होगा, पर फिर भी उसको देख के ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि यार ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता। तो खैर जो भी है, मैंने इस मूवी के बारे में बहुत पहले से सुन रखा था कि डम्ब एंड डम्बर देखो डम्ब एंड डम्बर देखो, पर फिर भी मैंने इसको नहीं देखा क्योंकि मैं और मूवीज़ देखने में लगा हुआ था। पर फिर एक बंदे ने कमेंट किया कि भाई इसका रिव्यू कर दो पार्ट्स का, तो मैंने सोचा इसको देखना तो पड़ेगा ही। अब यार देखा ना यार, मतलब मज़ा आया, लिटरली कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मेरे 1.5 घंटे कहाँ गए मुझे मालूम नहीं पड़ा, इतनी ज़्यादा अच्छी कॉमेडी थी। हालांकि बहुत साल पुरानी है, कुछ कुछ सीन आपको पेटेबल लगेंगे, पर फिर भी आप इस मूवी को एंजॉय करोगे क्योंकि यार एक्टिंग इतनी कमाल की जिम कैरी की और जेफ डेनियल्स की कि आप इसको पूरा शुरू से लेके एंड तक एंजॉय करते हो, आप इसमें इंगेज्ड रहोगे। एंड अगर आप इस मूवी को फैमिली के साथ देखने की सोच रहे हो तो मत देखना क्योंकि इसमें कुछ एडल्ट सीन्स डाले गए हैं, कुछ है ही एडल्ट, मतलब मत देखना फैमिली के साथ, आपका एक्सपीरियंस शायद उतना अच्छा नहीं रहेगा। एंड कॉमेडी मूवीज की ना सबसे खास बात ही होती है कि इसको देखने के बाद बहुत ज्यादा लाइट फील करते हो, क्योंकि मैं बहुत टाइम से साईफाई और एक्शन मूवीज में अटका हुआ था, उसके बाद जब मैंने ये मूवी देखी तो यार बहुत ज्यादा लाइट फील हुआ, मज़ा आया, माइंड को रिलैक्स फील हुआ। तो यार आप भी देखो, मज़ा आएगा, जो भी स्ट्रेस में रहते हो आजकल तो यार सब रिलीज हो गया इस मूवी को देख के, तो अगर आपने देखी तो एक बार और देखो, मज़ा आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर जो डम्ब एंड डम्बर मूवी है अमेजिंग है, पहला पार्ट तो मुझे अच्छा लगा, सेकंड पार्ट में भी देख रहा हूँ, उसको देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, तो उसका रिव्यू पहले कभी और कर दूंगा। तो पहले पार्ट का फिलहाल रिव्यू तो ये रहा। एंड भाई अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।